गाइस दिस इज वसीम, वेलकम यू ऑल टू अटेंड माय ऑनलाइन क्लासेस इंग्लिश एजुकेशन WLJ। गाइस हम लोग चल रहे हैं 12th स्पेशल प्रीपोजिशन, और 12th का जैसे एग्जाम फिर से रिशेड्यूल जो था वो 1 फरवरी से डेट कल आ गया है, और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग करेंगे प्रीपोजिशन में फ्रॉम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रॉम का पहला यूज बोल रहा है सेंडर या गिवर, यानी कि जो सेंड करने वाला होता है, जो देने वाला होता है, हु गिव्स समथिंग, हु सेंड समथिंग, उसमें हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। लाइक आई गॉट अ नाइस लेटर फ्रॉम माय ब्रदर, मुझे एक सुंदर पत्र प्राप्त हुआ भाई का, यानी कि लेटर भेजने वाला मेरा भाई। द मैन वाज फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, जो आदमी आया था वो कहां से था, तो इंश्योरेंस कंपनी से था। वी गॉट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विटनेस, हम लोगों को खबर मिला, किससे मिला भाई खबर, तो गवाह से मिला, विटनेस से मिला। अगला बोला डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि दूरी में हम लोग इसका यूज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह की दूरी क्या है। लाइक दैट WLJ इज हाफ किलोमीटर फ्रॉम माय रेजिडेंस, WLJ जो है मेरे घर से आधा किलोमीटर की दूरी पे है। और आई एम स्टैंडिंग 100 मीटर फ्रॉम द सीन ऑफ एक्सीडेंट राइट नाउ, अक्सर देखिए रिपोर्टर होते हैं वो बताते हैं कि मैं ठीक अभी खड़ा हुआ हूँ उस जगह पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, 100 मीटर की दूरी पे, यहाँ पे बैरिकेडिंग किया हुआ है। लाइक दैट दिल्ली इज अबाउट 930 किलोमीटर फ्रॉम औरंगाबाद, दिल्ली जो है औरंगाबाद से लगभग 930 किलोमीटर की दूरी पे। अगला बोला पोजिशन या पॉइंट ऑफ व्यू, यानी किस नजरिए से हम उसको देखते हैं। तो बोला यू कैन सी द आइलैंड फ्रॉम हेयर, आप आइलैंड को यहाँ से देख सकते हो। यू हैव पैरारोमिक व्यू फ्रॉम हेयर, यहाँ से आपका जो दृश्य है वो बड़ा अच्छा होगा। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज परफेक्ट, कोई टॉपिक है, कोई थीम है, प्रोजेक्ट है, उस पर हम अपना विचार रखते हैं कि मेरे हिसाब से ये जो है ना चीज है वो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन दूसरा बोल रहे हैं कि फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज हार्मफुल, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू जाते हैं, वित्तीय हिसाब से जाते हैं, तो ये हार्मफुल है, ये लॉस करा देगा, इट इज डिजास्ट्रस। अगला बोल रहा है डाइट फ्रॉम, किसी बीमारी से हम लोग मरते हैं तो डाइट ऑफ का यूज करते हैं, लेकिन बीमारी ना होकर के कोई एक्सीडेंटल होता है तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। लाइक ही डाइट फ्रॉम ओवर ईटिंग, वो ज्यादा खाने से मर गया। सी डाइट फ्रॉम ओवर वेट, वो ज्यादा वेट होने से मर गई। मिस्टर वर्मा डाइट फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, मिस्टर वर्मा गुजर गए ज्यादा खून की कमी से, तो खून की कोई चीज का कमी हो जाना, ज्यादा हो जाना, उस चीज से जब मौत हो जाती है तो हम वहां पे फ्रॉम का यूज करते हैं, जबकि बीमारी से होता है तो डाइट ऑफ कैंसर का यूज करेंगे। लाइक अगला बोल रहा है रेंज, ये एक सीमा है, एक परास को दर्शा रहा है। द टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 30 डिग्री टू -20 डिग्री C, कोई जगह है जहां का तापमान जो है परिवर्तित होता है, दिन में 30 डिग्री C होता है तो रात में -20 डिग्री C होता है, या गर्मी में इतना होता है ठंडा में इतना हो जाता है, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है। आगे बोल रहा है स्टोर सेल्स एवरीथिंग फ्रॉम सूलेस टू कंप्यूटर, बोल रहा है ये बिग बाजार है, यहाँ सब कुछ एक जूता के पिता से लेकर के कंप्यूटर तक और ट्रक तक मिलता है। कंडीशंस वेरी फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, अगर आप बात करोगे कि विच इज द नंबर वन स्कूल ऑफ औरंगाबाद, तो आई थिंक सो वी कांट से एनी स्कूल नंबर वन, कंडीशंस वेरी, कहीं के एजुकेशनल डिलीवरी अच्छे हैं तो कहीं डिसिप्लिन अच्छे है, कहीं फैकल्टी मेंबर्स अच्छे हैं तो स्टूडेंट्स इनडिसिप्लिन है। लाइक दैट आगे बोला स्टेट ऑफ फॉर्म, एक रूप को दर्शा रहा है, अवस्था दर्शा रहा है। थिंग्स हैव गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स, चीजें हो गई हैं बद से बदतर। और ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इसको ट्रांसलेट करो हिंदी से इंग्लिश। यू नीड ए ब्रेक फ्रॉम हेक्टिक शेड्यूल, आपको ब्रेक चाहिए आपके हेक्टिक शेड्यूल से, तो इसमें इसका यूज किया गया। अगला बोला मेड फ्रॉम, कोई चीज किसी चीज से बदलता है, उसका रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे। लाइक चपाती इज मेड फ्रॉम फ्लोर, चपाती जो है वो आटा से बनता है, अब हम चपाती में से आटा नहीं निकाल सकते, रूप बदल गया। टी इज मेड फ्रॉम शुगर, चाय जो है वो चीनी का बना होता है, रूप बदल गया। डालडा इज मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, डालडा जो है बना होता है वनस्पति तेलों का, तो यहाँ रूप बदल जाएगा तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे, रूप नहीं बदलेगा तो हम ऑफ का यूज करेंगे। लाइक चेयर इज मेड ऑफ वुड। अगला बोल रहा बिलोंग, बिलोंगिंग वो चीज कहीं से ताल्लुक रखता है। लाइक वी हैव कम फ्रॉम बिहार, हम लोग कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, तो हम लोग बिहार से आते हैं, बिहार से ताल्लुक रखते हैं। सीट फ्रॉम हरियाणा, वो कहाँ से ताल्लुक रखती है, तो वो हरियाणा की है। दे हैव कम फ्रॉम ओमान, वे लोग कहाँ से आए हैं, यहाँ पे वे लोग ओमान से आए हैं। गाइज आई होप यू अंडरस्टूड इट, इफ यू अंडरस्टूड इट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन WLJ। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग टू योर फ्रेंड्स, इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू लर्न इंग्लिश फ्री ऑनलाइन बीइंग एट होम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।